हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई ईसीएन सुपर सीरीज T10 का मैच कवर करने। पीबी वीआई और वर्सेस यूसीसी के बीच 12 घंटे 40 मिनट बाद ये वाला मैच खेला जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इसमें एक मेगा कॉन्टेस्ट भी चल रहा है 1 करोड़ का, मतलब इसमें प्राइज होगा 7-8 लाख का। लेकिन भाई जो मैं टीम दे रहा हूँ वो तो स्मॉल लीग की है, ये तो बस मैं आप लोगों को वैसे ही बता रहा हूँ। और मतलब इससे पता चलता है कि ये लीग काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। और मैं आपको बता दूँ, मेरे को T10 लीग वैसे भी बहुत पसंद है, और मेरी ECN की टीम मेरे को बहुत पसंद है, ECN की लीग। और मैं बता दूँ, लाइनर्स के बाद इसकी फाइनल टीम कहाँ आएगी, तो लाइनर्स के बाद इसकी फाइनल टीम आएगी भाइयों मेरे चैनल पे, जो कि टेलीग्राम पे एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स के नाम से। अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, इधर आप आ सकते हैं 100% विनिंग टीम हर मैच की, हर कॉन्टेस्ट के लिए, मतलब हेड टू हेड 3 मेंबर 4 मेंबर, और जीत सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए चलते हैं भाइयों मैच की ओर, PBVI वर्सेस UCC। तो मैं बता दूँ, इन्वेस्टमेंट आपने हमेशा, मतलब इसमें नई सीरीज शुरू हो रही है तो भाई लो ही रखना, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट रखना। और आप खेल सकते हैं हेड टू हेड 3 मेंबर और 4 मेंबर। और बात करें टीम की, तो टीम दिखाने से पहले ये बोलना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ एक एक। देखो भाई, अब आप समझेंगे कि मैंने ऐसे ही अपने मन से करके प्लेयर लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है भाइयों। कहीं मतलब बाकी वीडियोस में आप देखेंगे वो पूरा नोट्स के द्वारा आपको एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन भाइयों मैं आपको अपने बोलने से एक्सप्लेन कर दूंगा एक प्लेयर के बारे में। बात करें एस ग्रोवर की, तो एस ग्रोवर एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर है विकेट कीपिंग में, विकेट कीपिंग सेक्शन में। एक तो जो बढ़िया है, उससे बढ़िया भाइयों ये बैटिंग भी करता है। इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस प्लेयर से कि ये एक तो बैटिंग भी करेगा, साथ ही साथ बैटिंग बहुत अच्छी करता है, और विकेट कीपिंग में भी अगर एक दो स्टंप उड़ा गया तो उसके भी पॉइंट मिलेंगे। तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है भाई इस प्लेयर से, तो एस ग्रोवर के साथ जाना भाइयों अच्छी पिक है। बात करें बैट्समैन की, तो वाई एलियन के साथ आपको पता है सिर्फ 33% लोग गए हैं। लोगों को लग रहा है नहीं चलेगा, लोग पी कुमार के साथ गए हैं या फिर क्रेडिट मेंटेन करने वाले हैं, लेकिन हमने क्रेडिट मेंटेन इसी के लिए किए हैं क्योंकि वाई सालियाँ एक पिछले मैच में बहुत चला था भाई, पिछली सीरीज़ में मैं आपको बता दूँ इसने कमाल कर दिया, तो स्टेटस काफ़ी बढ़िया है इस प्लेयर का, तो इसके साथ अब ज़रूर जाना। और ये टॉप पिक है कल के मैच के लिए, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ अपने चैनल पे। 33% सिलेक्शन वाला आपको लग रहा होगा ऐसी है, लेकिन ये टॉप पिक है आपकी टीम में, मैं कह रहा हूँ होना चाहिए भाइयों। एस जोशी को लेंगे, एस जोशी एक अच्छा प्लेयर है जो भी, मतलब सारे लोग इसके साथ गए हैं, 90% के राउंड इसके साथ लोग गए हुए हैं क्योंकि सबकी टीम में देखने को मिलेगा। वैसे भी प्लेयर अच्छा है भाइयों एस जोशी। और नीचे लेंगे भाइयों एस पोखरियल को, तो एस पोखरियल एक अच्छा सा प्लेयर है जो कि बैटिंग के साथ साथ, भाइयों मैं आपको बता दूँ इसकी फील्डिंग बहुत ज़बरदस्त है एस पोखरियल की, मतलब अच्छा फील्डर भी है उसके साथ ही साथ। आपको पता है फील्डिंग तो सारे करते हैं, लेकिन फील्डर अच्छी कौन करते हैं, मतलब मिस फील्ड भी कहीं करते हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया प्लेयर है एस पोखरियल, इसके साथ ज़रूर जाना अगर ये मैंने आपको कुछ दिखाया बैट्समैन। बात करें ऑलराउंडर की, तो ऑलराउंडर से लेंगे पी बोगले को, तो पी बोगली एक टॉप का प्लेयर है, मैं आपको बता दूँ टॉप पिक है। मैं सिर्फ आपको टॉप पिक्स बता रहा हूँ कौन सी है, ये टॉप पिक है। मैं कह रहा हूँ आपकी टीम में नहीं होगा भाइयों लॉस होने का खतरा है, मैं कह रहा हूँ इस साथ ज़रूर जाना, पक्का जाना भाइयों, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि पी बोगली के साथ 87% लोग तो गए हैं, लेकिन हम ज़रूर जाएंगे क्योंकि इसको ड्रॉप करना भाई मुश्किल है। और यहाँ से आपको लग रहा होगा ये मैंने ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप नहीं किए, इनके बजाय मैंने NN पंडित लिया है। NN पंडित भाइयों काफ़ी बढ़िया प्लेयर है, आपको भाइयों मतलब दिखने में ऐसा लग रहा होगा, लेकिन प्लेयर बहुत ही ज़बरदस्त है। चाहे तो ये कल के मैच में एक या मतलब 2 या 3 विकेट भी ले सकता है, क्योंकि 10 सीरीज़ का मैच है, जो पिच है वो है बॉलिंग पिच, मेरे हिसाब से बैट्समैन का चलने नहीं वाले, जो मतलब मेरी प्रेडिक्शन बता रही है। और यहाँ से लेंगे भाई एच चगंती को, इसके साथ मैं इसलिए गया हूँ, सिर्फ 16% सिलेक्शन, ऊपर से जो प्लेयर वो टॉप, सिर्फ 16% सिलेक्शन भाइयों। अगर आप समझो, अगर ये एक मतलब 2 विकेटें नहीं एक भी ले गया ना, मैं कह रहा हूँ विनिंग की तरफ बढ़ जाओगे, क्योंकि 1 विकेट पे 25 पॉइंट मिलते हैं, तो बहुत बड़ी अमाउंट, मतलब 25 पॉइंट बहुत होते हैं क्रिकेट में अगर आप देखा जाए। एच चगंती एक बढ़िया प्लेयर है, इसके साथ ज़रूर जाना, साथ ही साथ बॉलिंग के साथ बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग ज़बरदस्त है। बात करें बॉलर की, यहाँ से लेंगे पी नंदीवादा को, तो इसके साथ तो भाई हूँ मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि ये टॉप का प्लेयर है, ऊपर से तो ये टॉप तो है ही, मतलब आपको लग रहा होगा टॉप पे है, वो बात नहीं है, है भी टॉप पे, उसके पास सिर्फ 22% सिलेक्शन। मेरे को समझ नहीं आई इसकी सिलेक्शन क्यों नहीं है अभी तक, मेरे को अभी भी नहीं समझ आ रही, क्योंकि प्लेयर इतना अच्छा सिलेक्शन की नहीं इसकी, सिर्फ 22%, तो यही तो हमें फ़ायदा देके जाएगी, 22% सिलेक्शन हमें फ़ायदा देके जाने वाली है इस प्लेयर की। एंड नीचे लेंगे भाई एन अचू थान को, जो कि भाइयों एक नॉर्मल प्लेयर है, जो कि बॉलिंग में सिंगल विकेट तो ले ही लेगा 10 ओवर के मैच में, अगर बंदे को ओवर मिला, क्योंकि 1-2 ओवर मिलेंगे इनको, जो कि विकेट लेने की इसके अंदर क्षमता तो है। और नीचे लेंगे बी समात को, तो इसके साथ तो मैं इसलिए गया हूँ, सिर्फ 13% सिलेक्शन, ऊपर से भाइयों ठीक ठाक बॉलर है। वैसे अगर मैं आपको बताऊँ, इसके बजाय आप और कोई ले भी नहीं सकते, भले ही आप ऑलराउंडर सेक्शन में से भी नहीं ले सकते, बैटिंग भी मतलब आपकी मर्जी है, लेकिन अगर हम ऑल ओवर देखें तो भाई बी समात के साथ जाना सही रहेगा। और ए पंगारकर, इसके साथ तो मैं जान के गया हूँ, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि ए
पंगरकर के साथ मैं जान के गया हूँ, ये भी टॉप पिक है, मैं आपको पहले बता दूँ 14% सिलेक्शन है, लेकिन पिक ये टॉप है क्योंकि ए पंगरकर एक ऐसा बॉलर है जो कि इसने पिछले मैच में हर मैच में 2 विकेटों का रेशियो है इसका, हर मैच में, जो कि बहुत ही बढ़िया रेशियो है। बात करें भाई ये कैप्टन वाइस कैप्टन की, कैप्टन में रखने वाला हूँ एस पोखरियल को, जो कि कल के मैच में अच्छी खासी बैटिंग कर गया ना, 10 ओवर का मैच है, मैं कह रहा हूँ 5 ओवर भी अच्छे खासे खेल गया, तो विनिंग से कोई नहीं रोक पाएगा। और बात करें वाइस कैप्टन की, तो वाइस कैप्टन में मैं थोड़ा जा रहा हूँ पी बगोली के साथ, वाइस कैप्टन में आप जा सकते हैं वाइस आलियन के साथ या फिर एन पंडित के साथ भी जा सकते हैं। बाकी मिलते हैं भाइयों, आपको एक बार स्क्रीनशॉट दिखा दें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ये फाइनल नहीं है, इसको फाइनल मत समझना, मैं पहले बता दूं फाइनल टीम आ जाएगी टेलीग्राम पे 10-15 मिनट पहले। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।